गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है वेडनेसडे और आज है 14 फरवरी, तो हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल माय लवली व्यूअर्स। आप सभी को वैलेंटाइन का बहुत 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 सारा बेस्ट विशेस, और अगर आपको वैलेंटाइन आपका मिल गया तो आप उसके साथ बहुत सारा एंजॉय करना, अगर नहीं मिला तो जल्दी मिल जाएगा, सो डोंट वरी। और आज जो है महाशिवरात्रि है तो मेरा फास्टिंग है, तो वैलेंटाइन ऐसे कुछ स्पेशल मेरे लिए नहीं है क्योंकि घर पे तो कुछ स्पेशल खाना भी नहीं बनेगा और हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे डिनर करने के लिए। और अभी टाइम हुआ है 8:30 क्योंकि मैं अभी अभी उठी हूँ और हस्बैंड जो है 6:30 बजे उठ के चले गए थे ऑफिस, वो जाने के बाद आज तो कुछ लंच वगैरह नहीं बनाना था, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर सो गई 2 घंटे के लिए। और अभी अभी मैं उठी हूँ तो अभी मैं जाऊँगी सारा मेरा काम करने के लिए, जो कि नहाना धोना ये सब काम करने के लिए, क्योंकि आज फास्टिंग है तो मुझे हेयर वॉश करना है, तो कुछ टाइम तो मुझे लगेगा, तो इसलिए जब तक बेबी सो रही है तो मैं ये काम खत्म कर लूंगी। और आज तो वैलेंटाइन है, मेरे लिए इतना भी खास दिन नहीं है, ऐसे ही एज यूजुअल जिससे कि सब दिन होता है वो सब दिन है, बट आज महाशिवरात्रि है तो इसलिए मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हो रही है क्योंकि फास्टिंग है, तो ब्रेकफास्ट के चक्कर में थोड़ा सा आराम मिलता है। तो अभी जो है बेटी सो रही है तो मैं यहाँ पर बेडरूम में थोड़ी विंडो के पास ही बैठी हूँ क्योंकि सुबह सुबह विंडो को दिखना थोड़ा सा अच्छा लगता है। और आज जो है फास्टिंग, आज मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, सिर्फ फ्रूट्स वगैरह खाऊंगी। और रात को 12 बजे के बाद, यानी जो महादीप मंदिर के ऊपर लगते हैं उसके बाद मैं कुछ खाऊंगी। तो ये फास्टिंग मैंने लास्ट 2 ईयर्स से करती आई है क्योंकि शादी से पहले तो मैं ये नहीं करती थी, शादी के बाद ये मैंने करती हूँ, और हस्बैंड भी पिछले साल किए थे। और एक्चुअली वैलेंटाइन डे तो मेरे लिए इतना भी खास नहीं है क्योंकि मेरे का ऑफिस है और मेरा तो आज फास्टिंग है, तो और स्पेशल खाना वगैरह तो कुछ भी नहीं बनाऊंगी, तो सोच रही हूँ कि हो सके तो केक बना दूंगी, वो जो कि हम रात को 12 बजे के बाद खाएंगे। तो चलिए देखती हूँ क्या क्या आज कर पाती हूँ। और घर को थोड़ा वो तो बहुत डेकोरेट करना पड़ेगा हस्बैंड को सरप्राइज देने के लिए, और उनके लिए मैं एक गिफ्ट भी लाई हूँ और अभी तक उनको नहीं दिया है, जब वो ऑफिस से वापस आ जाएंगे तब मैं ये गिफ्ट को दूंगी। तो देखती हूँ मैं कितना कुछ कर पाती हूँ उनके लिए, तो चलिए मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सो अभी ऑलमोस्ट 10 हो रही है और इसका ये भी उठ चुकी है और इसका खाना पीना सब कुछ हो गई है, तो मेरे पास अभी टाइम है। और मैंने ड्राइंग रूम को ऑलरेडी साफ कर दिया है, सिर्फ झाड़ू और पोछा लगाना है। और मैं अभी जाऊंगी बेड को क्लीनिंग करने के लिए क्योंकि मुझे आज डोर कर्टन भी चेंज करनी है और बेडशीट भी चेंज करना है। तो मेरे पास ये एक नया बेडशीट था, तो मैंने सोचा कि ये इसको मैं अभी चेंज कर लेती हूँ, आज डाल देती हूँ बेड के ऊपर, और कर्टन भी नया ही है तो सब कुछ नया नया है, तो देखते हैं कितना सुंदर लगता है। तो चलिए जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं। We'll be right back.
का बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज हो चुका है और ड्राइंग रूम भी साफ हो गई है। और ये जो आप पीछे से एक रेड कलर का कटन देख रहे हो, ये एक हार्ट शेप का कटन है, बट थ्रेड जॉइंट होके होके नट वगैरह हो गया है, तो मैं अगर टाइम पाऊंगी तो उसको भी ठीक कर दूंगी। और इधर बेबी भी वहाँ पर बालकनी में है और मैं आपको दिखाती हूँ मेरा पौधा का हालत क्या है। तो ये सारे पौधे और ये जो मैंने पांडिचेरी से लास्ट टाइम लाई थी, और ये आई थिंक प्लांट इतना ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है। और ये एक सेवंती का पेड़, और ये रोज़ आप सभी के लिए तो यू सी हुए हैप्पी वैलेंटाइन डे। और यहाँ पर भी एक रोज़ होने वाला है। और ये है मेरे सारे मैरीगोल्ड जो कि मैंने सैटरडे वाला वीडियो में दिखाई थी, और ये बहुत ही अच्छे से बड़ा बड़ा हो गई है। तो यहाँ पर ही इस तरह से बहुत सारे फूल भी है, तो ये पूजा के लिए मुझे चाहिए अभी। ऑलमोस्ट 12:20 हो रहा है और ये नहा के रेडी हो चुकी है। अभी मैं इसको खिला दूंगी, यहाँ पर इसका खाना है, तो मैं इसको खिलाने के बाद ये सो जाएगी क्योंकि ये थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गई है। तो ये सोने के बाद मैं वीडियो एडिट करूँगी और उसको पोस्ट भी करूँगी। सो चलिए मैं ये जल्दी से ये काम ख़त्म कर लेती हूँ और फिर आपसे बात करूँ। अभी उठ गई है और मेरा जो वीडियो का काम भी हो गई है, तो मैंने वीडियो भी पोस्ट कर दिया है। और आज मैंने पोस्ट किया है पांडिचेरी वाला वीडियो, तो बहुत बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो आप इसको ज़रूर देख लेना। और पता नहीं ये क्यों चिड़चिड़ा सा हो रही है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है, और सिर्फ मुझे इसको है, तो इसलिए वो चुप रहती है, नहीं तो नीचे अगर छोड़ देती तो बहुत ज़्यादा रोती है, पता नहीं क्यों। और अभी अभी मैंने एक बहुत ही सुंदर सा एक डेकोरेट का चीज़ बनाया है, आपको कुछ ये दिखाती हूँ। मैंने ये डाइनिंग एरिया को इस तरह से थोड़ी सी डेकोरेट किया है, और ये जो फोटो फ्रेम मेरे पास ऑलरेडी था तो मैंने उसको इस तरह से लगा दिया है, और ये लीची लाइट से लगा दिया है, और दो ग्लास की दो बोतल से यहाँ रख दिया है, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है, और एक ग्लास के अंदर मैंने ये जो आर्टिफिशियल रोज मुझे मिला था पिलो के साथ, ये मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो ये कुछ फ्रूट्स वगैरह है और ये मेरी लैपटॉप, तो मैं अभी लैपटॉप को अपने जगह पे रख दूंगी। और यहाँ पर एक टी शर्ट भी है, तो इसको भी मुझे अभी अरेंज करना है। सो अभी टाइम हुआ है 4:00 और अभी तक मेरे जो हस्बैंड है वो इसमें ही है, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ केक बनाने के लिए। और ये जो केक है ये तो हम आज नहीं खा पाएंगे, रात को 12 बजे के बाद आई थिंक खाएंगे, बट ऐसे ही वैलेंटाइन स्पेशल है तो केक तो बनाना पड़ेगा। तो अभी मैं ये केक बना लेती हूँ, और आज मैं बनाऊंगी चॉकलेट केक, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग चॉकलेट वाला जो केक है वो नहीं खाए हैं।
सिंपल वाला जो केक है बहुत ही आसानी रहता है, तो मैं इसलिए सिंपल वाला जो केक रहता है वो बना लेती हूँ। आज मैं बनाऊंगी चॉकलेट, बट मेरे पास बटर नहीं है तो मैं इसलिए ऑयल से बना रही हूँ। ऑयल से जो केक बनता है बहुत ही अच्छा बनता है, मैं मेरे मम्मी से सीखा है। चलिए जल्दी से मेरे केक का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, और इधर मेरी बेटी है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है, तो लीव इट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी केक, तो केक के लिए मैं यहाँ पर हाफ बाउल आटा यूज़ किया है और हाफ बाउल मैदा यूज़ किया है, और हाफ बाउल मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। ये मेरा पाउडर शुगर नहीं है, थोड़ा सा दाना वाला शुगर है और ये इजीली मेल्ट हो जाता है, तो मैं इसको डायरेक्टली इसमें यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी 5 टीस्पून चोको पाउडर, मैं यहाँ का क्वालिटी का आई थिंक चोको पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और 5 टीस्पून इसमें डाल दूँगी। और ये जो सारी चीज़ें ना मैं एक मेरे आइडिया से यूज़ कर रही हूँ, ये कोई भी इस तरह से मेज़रमेंट वाला कप नहीं है, तो मैं इसको मेरे आइडिया से इसको यूज़ कर रही हूँ। और ये जो ड्राई इन्ग्रीडियंट्स है इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और इसमें थोड़ा सा 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल दूँगी, और उसके बाद में डाल दूँगी मिल्कमेड, और मिल्कमेड भी मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ही यूज़ किया है, और उसके बाद में दूध डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो मिक्स करने के बाद में इसको 5 मिनट्स के लिए इस तरह से छोड़ दिया था, तो 5 मिनट्स के बाद में इसमें थोड़ी सी 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा डाल दूंगी, और उसके साथ डाल दूंगी 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं जो मेरा टिन है उसको थोड़ा सा ऑयल और मैदा के साथ ग्रीस कर लिया है, तो ये बैटर को इसमें डाल दूंगी और 180 डिग्री सेल्सियस में 35 मिनट्स के लिए उसको ओवन में बेक होने दूंगी। और बहुत ज़्यादा गर्म है, स्पंजी भी हो गई है, तो अभी मैं इसको चेक करूँगी, बिल्कुल क्लीन निकल रहा है, तो केक हो गई है। सो अभी ऑलमोस्ट 6:30 हो रही है, और मेरे जो हस्बैंड है थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे बात कर लेती हूँ। और अभी हम थोड़ा देर के बाद मंदिर जाएंगे, क्योंकि आज शिवरात्रि भी है तो मंदिर तो जाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। अभी हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा। 7:00
कि 7 o'clock के बाद हम मंदिर जाएंगे और मंदिर में थोड़ा बहुत दर्शन करके घर वापस आ जाएंगे। और आज तो डिनर वगैरह कुछ नहीं बनाना है, बट मैं सोच रही हूँ कि खीर वगैरह बना लूँ, क्योंकि रात को जब जो महादीप होता है वो चढ़ने के बाद हम कुछ खाएंगे। बेबी जो है वो थोड़ा सा इवनिंग का नाप ले रही है, तो मैंने सोचा कि जो केक को मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँ, क्योंकि उसके ऊपर सोच रही हूँ कि जो चॉकलेट का कुकिंग है दे दूँ, तो दिखने के लिए तो अच्छा ही दिखेगा। तो चलिए वो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी। तो मैं यहाँ पर इडली और डोसा बैटर के लिए यहाँ पे उड़द दाल और चावल को भिगो के रख दिया है कल के लिए, और अभी मैं बनाऊंगी चॉकलेट की एक कोटिंग केक के लिए। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये एक मैंने ब्लैक चॉकलेट लिया है, और इसको मैं इसी कांच के एक बाउल में इसको माइक्रोवेव कर दूंगी 30 सेकेंड के लिए, और इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ी सी फ्रेश क्रीम। आपके पास अगर फ्रेश क्रीम ना हो आप इसके बदले 2 टेबलस्पून मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको खुद करके दिखा है और ये बहुत ही अच्छा कोटिंग बनता है, तो मैं थोड़ी सी इसमें मिल्क ऐड कर थोड़ी सी फ्रेश क्रीम इसमें ऐड कर दूंगी और उसके बाद मैं माइक्रोवेव कर दूंगी। केक बिल्कुल रेडी हो चुका है, और यहाँ पर मैंने 2 स्ट्रॉबेरी ली के थोड़ा सा चॉकलेट सॉस में इसको गार्निशिंग कर दिया है, और ये 2 आलमंड एक यहाँ पे छोटा सा चेरी लगा दिया है, तो ये दिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। हम लोग अभी मंदिर से आए हैं और अभी ऑलमोस्ट 9:30 हो गई है, तो मैं अभी जल्दी से जाऊँगी। बेबी के लिए भी खाना बनाना है और हमारे लिए भी कुछ खीर वगैरह बनाना है, तो मैं ये जल्दी से काम कर लूँगी। और ऐसे ही हम लोग बाहर घूम रहे थे तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया हमको। तो हस्बैंड जो मेरा गिफ्ट दिया है वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगी, बाद में बताऊंगी। तो चलिए अभी जल्दी से मैं किचन में चलती हूँ, तब तक के लिए बाय। अभी 12:30 बज चुका है और मैं खाना खा चुकी हूँ, और अभी अभी जो मैंने पापा मुझे वीडियो कॉल पे दिखा है कि वहाँ पर जो मंदिर का महादीप है वो चढ़ गया है, तो उसके बाद हम लोग केक कट किया और खाना वगैरह सब कुछ हो गया। मेरा हस्बैंड तो पहले से ही खा रहे थे बट मैं अभी खाई। तो आज का जो दिन था ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन एक डे था, रिलैक्सिंग डे जो बोलते हैं ना वो था। तो लंच वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं बनाना था, काम भी कुछ भी नहीं था, तो मुझे आज बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील हो रही है। तो अभी थोड़ा सा टाइर्ड लग रही है क्योंकि दिन भर में कुछ भी नहीं खाई थी सिर्फ, और पैरों में थोड़ा बहुत दर्द है पता नहीं क्यों, और आज तो मैं जिम भी नहीं गई क्योंकि मुझे थोड़ा डर लग रहा था। आज जो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये रोज लेके दिए हैं और ये सुंदर सा पिंक कलर, ये रेड कलर का नहीं है, थोड़ा सा पिंक कलर का रोजेस है, और मेरी बेटी ने यहाँ पर रोज का हालत क्या कर दिया है देखिए।
ये भी अभी मस्ती मूड में है क्योंकि मैं थोड़ा सा सो गई थी, तो इसलिए अभी बहुत ज़्यादा मस्ती मूड में है। तो मैं उसके साथ ही अभी थोड़ी देर के लिए बैठूंगी और फिर हम दोनों जाएंगे सोने के लिए। और एक्चुअली हस्बैंड एक गिफ्ट मुझे देने वाले थे, सरप्राइज था मेरे लिए, बट सरप्राइज जो है फेल हो गया क्योंकि वो मेरे लिए एक ड्रेस ऑर्डर किए थे बट वो अनलकीली आज डिलीवर नहीं हुआ, तो इसलिए कल या परसों डिलीवर हो जाएगा। तो मैं कोई भी मेरे डेली ब्लॉग्स में वो ड्रेस को आपको दिखा दूंगी। बहुत अच्छा सा मैंने फ़ोटो देखा और बहुत ही अच्छा सा एक गाउन था, ब्लू कलर, ब्लू और रेड कलर का। तो अनलकीली तो मुझे ये आज नहीं मिला, तो देखती हूँ कब आएगा। अगर आता है तो मैं पिक यहाँ पर इंसर्ट करके दिखा दूँगी। तो या फ्रेंड्स, अभी मैं जल्दी से ये ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग का आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और भी मेरे इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं मिलती हूँ और एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, स्टे हैप्पी, बाय, स्टे हैप्पी, बाय, स्टे हैप्पी।